हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग थंबनेल किस तरीके से बना सकते हो। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप लोग इन थंबनेल को देखो और इन थंबनेल को देखो। इन दोनों थंबनेल को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन जो मेरे पुराने वाले थंबनेल हैं, तो मैं उस टाइम पर जब इन थंबनेल को बनाता था तो उस टाइम पर मेरे को ये थंबनेल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन अगर आप लोग मेरे आज के टाइम के थंबनेल देखोगे तो वो बिल्कुल HD क्वालिटी में होते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग न्यू क्वालिटी में थंबनेल कैसे बना सकते हो। आप लोग चाहे व्लॉगिंग के थंबनेल बनाते हो, चाहे टेक कैटेगरी के थंबनेल बनाते हो, चाहे मोटिवेशनल थंबनेल बनाते हो, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग इजीली अपने थंबनेल को बना पाओगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है। एंड यहाँ पर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये जो आपका कीवर्ड होगा इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर ये जो आपको 3 डॉट का आइकन दिखेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इमेज साइज का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल को यहाँ से आपको ले लेना है। एंड यहाँ से हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो हमारे थंबनेल का साइज होगा वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे साइड में जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कलर का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है उसको हम लोग यहाँ से प्रॉपर यहाँ से ब्लैक कलर का कर देंगे। एंड यहाँ पर आपको राइट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हमारे बैकग्राउंड का कलर था वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने बैकग्राउंड में कलर ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सोप्स का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपके सामने एक वॉलपेपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन दिख रही है इसको आपको यहाँ से फुल कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका इसका साइज होगा, बैकग्राउंड का साइज होगा, वो यहाँ पर राउंड टाइप में हो जाएगा। तो आपको यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक करना है। एंड या फिर आप लोग यहाँ से भी राउंड को ले सकते हो। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसके साइज को सबसे पहले हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एंड कुछ इतना। एंड अब आपको यहाँ पर थर्ड वाले आइकन पे जाना है। एंड ये जो आपका वॉलपेपर होगा इसके जो सारे फीचर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कलर का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसका जो कलर है इसको हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे। एंड जब आप लोग ऑन करोगे तो इसका जो कलर होगा वो यहाँ पर रेड कलर का हो जाएगा। तो हम लोग इसको ही रेड कलर का रखेंगे। बट अगर आप लोग किसी दूसरे कलर का रखना चाहते हो तो आप लोग उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मैं नहीं चेंज करूँगा। आप लोग कोई भी यहाँ से कलर रख सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ से कर दूंगा, बट इसका कलर मैं यहाँ पर रेड ही रखूंगा। तो यहाँ से मैं रेड के ऊपर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ से मैं राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो हमारा वॉलपेपर होगा वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो इसको आपको कहाँ पर ऐड करना है, जहाँ पर आप लोग अपनी इमेज को ऐड करोगे, अपनी फ़ोटो को ऐड करोगे, उसके पीछे आपको ऐड करना है। इसके ऊपर हम लोग अपनी फ़ोटो को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको ऐड करना है। एंड इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। एंड इसके बाद में हम लोग एक PNG को ऐड करेंगे। एक उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ से हम एक PNG को ले लेंगे। इस PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ से हम इस PNG को ले लेंगे। एंड यहाँ से आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका कलर यहाँ से रेड ही करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा। एंड इसका कलर आपको यहाँ पर रेड करना है। एंड यहाँ से हम राइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड इसको हम लोग यहाँ पर इसके साइज़ को हम सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एंड इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कुछ यहाँ पर। एंड अब ये जो हमारी सारी PNG हैं यहाँ पर आपको लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके एंड इसको हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। एंड यहाँ पर ये जो हमारी सनलाइट वाली PNG है इसकी हम लोग यहाँ से एक कॉपी करेंगे। तो यहाँ से आपको कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसकी एक जो कॉपी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो और अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसके कलर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड का कलर होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा कलर है ब्लैक कलर का, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके कलर को यहाँ से मैं ब्लैक कलर का कर दूंगा। एंड यहाँ से मैं किया, एंड यहाँ से मैं राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंड अब मैं इसको कहाँ पर ऐड करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा कुछ यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐड करूँगा। एंड इसको आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना। एंड यहाँ पर मैंने कुछ सेट कर दिया। एंड यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड था वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लुक में आ चुका है। तो अब हम लोग इसकी एक और कॉपी करेंगे। एंड इसके कलर को हम लोग क्या करेंगे, बट इससे पहले इसको यहाँ से हम
लॉक कर देंगे। और अब ये जो हमारी तीसरी वाली पीएनजी है, इसके कलर को यहाँ से मैं रेड कलर का कर दूंगा एंड यहाँ से मैं रेड के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसको मैं ऐड कर दूंगा कुछ यहाँ पर, आपको ऐड करना है कुछ यहाँ पर एंड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एंड इसकी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड इसको मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूंगा एंड फिर मैं इसकी एक कॉपी करूंगा एंड इसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। लेकिन जो इसकी ओपेसिटी है वो यहाँ से हम लोग कम कर देंगे। तो यहाँ से आपको इसके ऊपर आना है, ओपेसिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसकी सेचुरेशन को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देंगे एंड कुछ इतना आपको अपने हिसाब से कर देना है एंड यहाँ पर मैंने कुछ इतना कर दिया एंड यहाँ से मैं राइट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड अब ये जो हमारी सारी पीएनजी हैं इनको यहाँ से हम लॉक कर देंगे एंड एक पीएनजी की यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ से करेंगे ग्रीन कलर का एंड यहाँ से मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जो हमारी पीएनजी थी वो यहाँ पर कलर हो चुकी है। तो इसको मैं ऐड करूँगा कुछ यहाँ पर एंड इसकी हम लोग एक और कॉपी करेंगे और मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पर, लेकिन इसका जो कलर है वो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे एंड यहाँ से हम कलर में जाएंगे एंड इसका जो कलर है वो यहाँ पर हम ब्लू कलर का कर देंगे। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया एंड यहाँ से मैं राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, लेकिन जो इसकी ओपेसिटी है वो हम लोग यहाँ से कम कर देंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पर ओपेसिटी के ऊपर आना है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर देंगे कुछ इतना एंड आपको राइट के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके साइज़ को यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एंड कुछ इतना एंड यहाँ से हम इसकी एक कॉपी करेंगे एंड इसको हम थोड़ा सा नीचे साइड में यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड अब जो हमारी सारी पीएनजी है इनको आपको यहाँ से लॉक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया एंड अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम सबसे पहले अपनी इमेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपको ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो को ले लिया है एंड यहाँ से मैं राइट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है एंड इसके साइज़ को यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड कुछ इतना। और जब आप लोग अपने थंबनेल को बना लोगे तो उसके बाद में आपको HD क्वालिटी में उसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने थंबनेल को बनाता हूँ तो मैं अपनी फ़ोटो के पीछे शैडो कैसे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा शैडो का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है एंड भाई ऑन करने के बाद में इसका जो आप लोग कलर रखना चाहते हो वो आपको पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं रेड कलर का करूँगा एंड यहाँ पर जो आपकी थर्ड वाली लेयर है, सॉरी सेकेंड वाली, एंड इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड में कर दूंगा एंड यहाँ पर जो हमारी शैडो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको अगर मैं यहाँ से माइनस में करूँगा तो ये जो हमारी शैडो है वो इधर साइड में आ जाएगी। तो अगर आप लोग इस साइड में फ़ोटो लगाते हो तो आपको इधर साइड में शैडो डालना है, लेकिन अगर आप लोग इधर साइड में लगाते हो तो आपको यहाँ पर प्लस साइड में शैडो डाल देना है कुछ यहाँ पर एंड डालने के बाद में यहाँ पर आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हमारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने फ़ोटो को लॉक कर देंगे। देन इसके बाद में हम लोग अपने थंबनेल में लिखेंगे, आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो भी लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुड न्यूज एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड यहाँ पर आपको डन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया है। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको नीचे साइड में ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पर ये जो आपको ए कलर का ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी ए का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करना है एंड जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है, जो आपका टेक्स्ट है, इसके जो सारे फीचर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉन्ट का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग एक फॉन्ट को ऐड करेंगे एंड जैसे कि यहाँ से मैं इस वाले फॉन्ट को ऐड करूँगा तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, लेकिन इसके साइज़ को यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड इसको मैं ऐड करूँगा कुछ यहाँ पर एंड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कलर का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नीचे साइड में कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा कॉपी टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग ये दो आपका कीवर्ड है इसमें हम लोग दो कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक को रखूँगा व्हाइट, ये जो हमारा गुड लिखा है इसको मैं व्हाइट कलर का करूँगा, लेकिन ये जो न्यूज़ है इसको यहाँ से मैं येलो कलर का कर दूँगा। तो यहाँ पर ये जो आपको नीचे साइड में कॉपी टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ से आपको जितने को आपको कलर को चेंज करना है तो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से मैं येलो कलर के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है एंड यहाँ से मैं राइट के ऊपर
क्लिक कर दूंगा। एंड इसके बाद में जो हमारा अगला कीवर्ड है वो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक नया कीवर्ड ले लेना है। एंड इसमें आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा बिगेस्ट अपडेट, यहाँ पर मैंने लिख दिया। एंड इसके बाद में जो इसका फाउंट है वो हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपको फाउंट में जाना है। एंड इसका फाउंट आप लोग जो भी रखना चाहते हो वो आप लोग रख सकते हो। एंड इसको मैं यहाँ पर इस वाले फाउंट को ऐड करूँगा। एंड यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर हमारा जो फाउंट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसके साइज को हम सबसे पहले बड़ा करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने कुछ इतना कर दिया। तो इसका कलर हम लोग यहाँ से वाइट ही रखेंगे, लेकिन इसके नीचे हम लोग एक लेयर डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सोप्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपके सामने एक लेयर आ जाएगी, एक वॉलपेपर आ जाएगा। एंड इसके साइज को आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से करके, एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इधर साइड से कर देंगे। और यहाँ पर आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पर कर देंगे रेड कलर का। तो यहाँ से हम कलर में जाके एंड इसको हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे। एंड यहाँ पर कलर हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला कीवर्ड है उसको हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। एंड यहाँ पर ये वाला जो कीवर्ड है जो हमारे लेयर के नीचे है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टू फॉन्ट का, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हमारा फाउंट होगा वो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो हमारा फाउंट है इसको हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। देन इसके बाद में ये जो आपकी नीचे वाली लेयर है इसको आपको इसके साइज को यहाँ पर आपको सही तरीके से सेट कर देना है। एंड यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। एंड ये जो हमारी लेयर है इसकी हम लोग यहाँ से एक कॉपी करेंगे। एंड इसको यहाँ से मैं फिर से नीचे ऐड करूँगा। एंड इसके साइज को यहाँ पर मैं कर दूंगा कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर मैंने कर दिया। और इसके नीचे आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो आपको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर मैं इसमें लिखूँगा अब। एंड जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा अब। एंड यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। एंड जो इसका फाउंट है वो यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा। एंड यहाँ से मैं इसको ऐड करूँगा पॉपिंस को। एंड इस वाले फाउंट को यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। एंड इसको मैं ऐड कर दूँगा कुछ यहाँ पर। एंड इसका जो कलर है वो हम लोग कर देंगे यहाँ से येलो कलर का। एंड यहाँ पर सही हो चुका है। एंड यहाँ पर सही तरीके से मैच हो चुका है। और आप लोग जब भी अपने थंबनेल को बनाते हो तो उसमें आपको कलर ग्रेडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने थंबनेल में बहुत सारे कलर को यूज नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपको दो या तीन कलर को ही यूज करना है। एंड इसके बाद में ये जो हमारा कीवर्ड है इसकी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। एंड इसमें जो हमारा अगला कीवर्ड है वो यहाँ से मैं लिखूंगा, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगा। एंड यहाँ से आपको जो भी लिखना है वो आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एंड लिखने के बाद में आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है इसके कलर को यहाँ से मैं चेंज करूंगा, तो इसके कलर को मैं यहाँ पर रखूंगा, यहाँ से मैं वाइट कलर का कर दूंगा। एंड इसके साइज को यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इतना। एंड इसके बाद में जो हमारा फॉन्ट है इसको यहाँ से मैं लॉक कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया। एंड यहाँ पर जो हमारी ये लेयर है इसको यहाँ से मैं अनलॉक कर दूंगा। एंड इसके साइज को यहाँ से मैं अच्छी तरीके से मैच कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मैच कर दिया है। बट इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्कन कर दूंगा। एंड यहाँ से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कलर में जाके एंड यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंड इसका जो कलर है वो यहाँ पर डार्कन हो चुका है। देन इसके बाद में आपको राइट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हमारा फाउंट है वो सही तरीके से सेट हो चुका है। देन इसके नीचे आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो आपको लिख लेना है। एंड इसके बाद में आपको अपने थंबनेल को HD क्वालिटी में सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लो हाई मीडियम। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपका थंबनेल होगा वो बिल्कुल HD क्वालिटी में आपके गैलरी में सेव हो जाएगा।